ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां 16 और 17 मई को पीएम की यूपी में चुनावी सभाएं हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भदोही के ज्ञानपुर प्रतापगढ़ में भी पीएम मोदी रैली करते हुए नजर आएंगे। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। 16 मई को ही लालगंज और आजमगढ़ के लिए भी वो एक बड़ी रैली करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। 17 मई को बाराबंकी और मोहनलालगंज के लिए पीएम मोदी की रैली भी प्रस्तावित है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी की जनसभाएं होने वाली हैं। फतेहपुर, कौशाम्बी और बांदा के लिए फतेहपुर में वो रैली करते हुए नजर आएंगे। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हमीरपुर, जालौन और झांसी के लिए भी पीएम मोदी बड़ी रैली करेंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 16 और 17 मई को पीएम की यूपी में चुनावी जनसभाएं होने वाली हैं। बता दें कि चुनाव प्रचार को धार देने के लिए ये चुनावी जनसभाएं होंगी और दो दिन जनसभा कर 14 लोकसभा सीटों को कवर किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह और धर्मपाल सिंह जनसभा की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। बता दें कि आगामी चरणों के मतदान के लिए ये यूपी में चुनावी जनसभाएं होने वाली हैं। 16 मई को जौनपुर मछली शहर के लिए एक संयुक्त रैली की जाएगी। भदोही के ज्ञानपुर प्रतापगढ़ में भी पीएम मोदी की रैली प्रस्तावित है। साथ ही वो जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 16 मई को ही लालगंज और आजमगढ़ में भी पीएम मोदी रैली करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है और 17 मई को बाराबंकी और मोहनलालगंज के लिए एक बड़ी रैली भी प्रस्तावित है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फतेहपुर, कौशाम्बी और बांदा के लिए फतेहपुर में एक बड़ी रैली की जाएगी। पीएम मोदी की रैली के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही हमीरपुर, जालौन और झांसी के लिए भी राट में पीएम मोदी एक बड़ी रैली करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 16 और 17 मई को पीएम की यूपी में चुनावी जनसभाएं होने वाली।